ठीक है, तो हमें यहाँ तो शुरू करना था इकोलॉजिकल पिरामिड। इसके पहले हम लोगों ने इकोलॉजिकल नीच और फूड वेब, फूड चेन, इकोटोन, इकोक्लाइन और एज स्पेशीज, ये सब हमने कर रखा है। ठीक है, डिफिनेशंस नहीं, उसको समझना था। इस पे क्वेश्चन पहले आते थे, अभी भी आ सकते हैं। तो उसको, ये बेसिक चीज़ें हैं इकोनॉमिक, इसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में। तो इसको देख लेते हैं कि अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए तो हमसे गलत ना हो। ठीक है, खासकर डिफिनेशन वाले। इकोलॉजिकल पिरामिड, इसमें तीन तरह के पिरामिड होते हैं, एक बायोमास का पिरामिड, एक नंबर का पिरामिड और एक एनर्जी का पिरामिड। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ होती है अपराइट, मतलब सीधा पिरामिड, जैसा हम गीजा का पिरामिड देखते हैं वैसा। ठीक है, सीधा पिरामिड। और एक होता है इन्वर्टेड पिरामिड, मतलब उल्टा, बेस ऊपर और जो टॉप है वो नीचे। ठीक है, तो जो बायोमास का पिरामिड होता है और नंबर का पिरामिड होता है, ये दोनों हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। लेकिन जो एनर्जी का पिरामिड है, ये हमेशा अपराइट ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10% वाला रूल है ना इसमें, कि 10% एनर्जी ही अपर ट्रॉपिक पर जाती है, ऊपर वाले ट्रॉपिक पर। फिर यहाँ से 10% जाएगा, सिर्फ 10% जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कम होता जाता है एनर्जी, ऊपर ट्रॉपिक लेवल पर कम जाती है। तो हमेशा जो है नीचे सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी, जो नीचे ट्रॉपिक लेवल होगा, और ऊपर कम जाएगा। ठीक है, ऊपर ऐसे कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, बायोमास में क्या होता है कि जो उनका मास होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका मास जितना है वो कितना है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो नंबर भी कम होता है एनिमल्स का, या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर कम होगा और उनका मास भी कम होगा। ऑब्वियस बात है, जब नंबर कम हो रहा है तो मास भी कम होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए अपराइट पिरामिड। कुछ केसेस एक्सेप्शन हैं जिसमें बायोमास जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, बायोमास बढ़ता जाता है और नंबर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, कुछ केसेस हैं, एक्सेप्शन है, लेकिन वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए दोनों ही हो सकता है, दोनों ही केस हो सकते हैं। ठीक है, अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, नंबर के केस में और बायोमास के केस में। लेकिन एनर्जी के केस में हमेशा अपराइट रहेगा। ठीक है, याद रखना, हमेशा। जो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा, इन दोनों में दोनों केस हो सकता है, इन दोनों में, इसमें एनर्जी में सिर्फ अपराइट पिरामिड। ठीक है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल दिया है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल, अलग अलग एनवायरमेंट का, अलग अलग जगह। जैसे इसमें एक्वेटिक सिस्टम बताया है, ग्रासलैंड, यहाँ ऑटोट्रॉफ ज़्यादा होंगे। ऑटोट्रॉफ ज़्यादा होंगे तो फिर उसके बाद, ऑटोट्रॉफ मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, जैसे बकरी घास खा रही है तो उसको ज़्यादा घास खाना पड़ेगा, बहुत सारे घास खाना पड़ेगा बकरी को। कम बकरियाँ हैं, ठीक है, कम बकरियाँ हैं। अब बकरी को शेर खाएगा, ठीक है, तो शेर कम ही बकरियाँ खाएगा ना, तो नंबर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है हर ट्रॉपिक लेवल पर। ठीक है, और अगर इसका मतलब मास भी देखोगे, जो उसका बायोमास है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम नंबर, जैसे जैसे नंबर डिक्रीज करेगा बायोमास भी तो डिक्रीज करेगा, ऐसा थोड़ी करे बायोमास बढ़ता जाएगा। तो इसलिए वो दोनों अपराइट भी हो सकते हैं, अपराइट हो सकते हैं। और किसी किसी केस में थोड़ा सा उल्टा होता है, एक्सेप्शन केसेस हैं, उसमें इन्वर्टेड होता है कि एक से शुरू हुआ और फिर ज़्यादा आया, फिर उससे ज़्यादा आया, फिर उससे ज़्यादा आया, तो उस केस में नंबर और बायोमास इन्वर्टेड हो सकता है, जो पिरामिड है उनका। ठीक है, ये अपराइट पिरामिड के बारे में बताया है कि अपराइट हो सकता है। ठीक है, ये भी, और इन्वर्टेड का केस बताया, रिवर्सल ऑफ पिरामिड एग्जाम्पल दिया है। ये देखो, इसमें एग्जाम्पल दिया है, इन्वर्टेड पिरामिड किसके केस में है, इकोसिस्टम के केस में। याद रखना, इन्वर्टेड पिरामिड, ये प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर हर्बीवोरस है, उसके ऊपर कार्निवोरस है। ठीक है, ये इन्वर्टेड के केस में है। बायोमास का केस है, बायोमास में, इन्वर्टेड के केस में। ठीक है, और नंबर्स में, नंबर्स में नहीं दिया है, नंबर्स में भी देखने को मिलेगा इन्वर्टेड पिरामिड। अच्छा, इन्वर्टेड पिरामिड दिया है, कहाँ है? अच्छा, एग्जाम्पल नहीं दिया, एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं दिया, बताया है कि ऐसे एक्सेप्शन केसेस होते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलो, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब होता है कि सोलर एनर्जी से, जो सोलर एनर्जी से जो प्लांट फूड बनाते हैं, वो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कि कितना अलग अलग लेवल पर जा रहा है। ठीक है, ठीक है। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी बाय प्लांट्स एंड सब्सिक्वेंट यूज ऑफ दैट फिक्स एनर्जी बाय प्लांट ईटिंग हर्बीवोर, एनिमल ईटिंग कार्निवोर एंड डेट्रीवोर दैट फीड अपॉन डेड बायोमास। ठीक है, ठीक है। इकोलॉजिस्ट प्रिफर प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रीन प्लांट एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ग्रीन प्लांट जो है ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपनी एनर्जी, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं ना, सूरज की रोशनी से। ठीक है, सूरज की रोशनी से खाना खुद बनाते हैं ग्रीन प्लांट, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा गया है। और उसके बाद उनको हर्बीवोर खाते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोर का भी उसी, मतलब उसी उसी से रिलेटेड है। ठीक है,
फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज फिक्स्ड बाय प्लांट्स, व्हाइल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज स्मॉलर बिकॉज इट इज एडजस्टेड फॉर एनर्जी लॉस रिक्वायर्ड टू सपोर्ट देयर प्लांट्स रेस्पिरेशन। ठीक है, कह रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो प्लांट जो है जितनी पूरी एनर्जी फिक्स करते हैं, ठीक है, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आता है। ठीक है, और नेट में क्या है, नेट कम होता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो लॉस वाली एनर्जी है उसको निकाल देते हैं, जितना बचा वही होगा नेट में। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि लॉस जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें जो एनर्जी लॉस है उसको उसको निकाल देते हैं। एनर्जी लॉस कहाँ होता है, सारी चीज़ वो खाना बनाने में नहीं एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ना, अपने ग्रोथ में भी इस्तेमाल करते हैं, जो सोलर एनर्जी उनको मिलती है वो सारी चीज़ें अपने खाना बनाने में नहीं इस्तेमाल करते हैं, सारी एनर्जी कुछ अपने ग्रोथ में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो बड़े होंगे, उनके पत्ते निकलेंगे, फ्रूट बनेगा, ठीक है, तो उस सब चीज़ में भी एनर्जी लगेगी, तो उसको इसमें से हटा देते हैं और सिर्फ जो इनकी खाना बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमेशा जो नेट एनर्जी है वो नेट एनर्जी है वो ग्रॉस से कम ही होगा। ठीक है, वो ग्रॉस से कम होगा, ग्रॉस ग्रॉस ज़्यादा होगी, ग्रॉस एनर्जी, ठीक है, या जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर ग्रॉस एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिफर टू हर्बीवर एनिमल्स वाइल टर्शरी प्रोडक्टिविटी रिफर टू कार्निवर्स। ठीक है, पहला था प्राइमरी, फिर दूसरा वाला कौन सा आया, हर्बीवर एनिमल के लिए नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और कार्निवर के लिए टर्शरी टर्शरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, डिफरेंस डिफरेंट प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस इको सिस्टम बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन द अवेलेबल ऑफ सोलर रेडिएशन वाटर न्यूट्रिएंट वर्ल्ड्स इको सिस्टम डिफर ग्रेटली इन देयर इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, कह रहा कि मतलब सिर्फ सोलर रेडिएशन पर नहीं डिपेंड करता उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो अलग अलग इको सिस्टम है, और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कितना पानी उनको मिल रहा है, न्यूट्रिएंट कितना मिल रहा है, ठीक है, और जिनका इन्वायरमेंट है वो सब भी, सॉइल वगैरह देखे हुए कितना, ठीक है, अच्छा है कि खराब है, जो भी है, तो उस पर डिपेंड, उस पर भी डिपेंड करता है कि उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। ठीक है, सही है। फिर ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी इसमें बता रहा है कि कहाँ कौन सी जगह सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, तो तीन है, जैसे एस्चुरीन, जो वेटलैंड्स होते हैं, एस्चुरीन, स्वैम्प मार्शेस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, नहीं टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, ये जो तीन हैं इनकी सबसे हाईएस्ट है और ये तीनों लगभग लगभग बराबर हैं, एस्चुरीज में, स्वैम्प मार्शेस में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा होती है प्रोडक्टिविटी और लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, और उसमें भी देखो ये हल्का सा आगे है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उससे हल्का सा कम है स्वैम्प मार्शेस, उससे हल्का सा कम है एस्चुरीज। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट इन तीनों के बाद आएगा चौथे नंबर पर। फिर कॉनीफेरस फॉरेस्ट जो टाइगर टाइप होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, फिर ऐसे ऐसे डिक्रीज होता गया है, सबसे कम कहाँ है, एक्सट्रीम डेजर्ट में। ठीक है, एक्सट्रीम डेजर्ट में ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसको देख लो, सबसे ज़्यादा एश्यूरीज, स्वैम्प, मार्शेस और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है अगर ये तीनों आ गए तो इनके हिसाब से। ठीक है, फिर टाइगर टाइप वाले हैं वो इन इन तीनों के बाद, इन चार के बाद हैं। ठीक है, तीसरे चौथे नंबर पर ये है टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, बाकी ये इसका भी देख सकते हो, टेम्परेट ग्रासलैंड, लेक स्ट्रीम्स, कॉन्टिनेंट शिफ्ट, काफ़ी नीचे हैं ये अगर देखा जाए सीक्वेंस में। ठीक है, ठीक है, फिर बायोलॉजिकल इंट्रैक्शंस, बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन मतलब एक जो स्पीशीज है वो दूसरे स्पीशीज से उसका जो इंट्रैक्शन है वो कैसा है, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल, उस बेसिस पर कई चीज़ें डिफाइन की गई हैं। ठीक है, उसमें क्या है, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, कंपटीशन, एमेंसलिज्म। ठीक है, अभी प्लस माइनस क्या है, मतलब बेनिफिट हो रहा है म्यूचुअलिज्म में, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों स्पीशीज को। ठीक है, इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, जैसे लाइकन है, माइक्रोरिजिया है, इस एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट हो रहा है, कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और निगेटिव इंट्रैक्शन में कौन कौन से है, प्रेडेशन में एक को फायदा एक को नुकसान, प्रेडेशन मतलब जैसे एक जानवर दूसरे को खा रहा है, ठीक है, प्रेडेशन हो गया, तो उसमें से एक जो खा रहा है उसको फायदा है, जो बेचारा खाया जा रहा है वो उसका नुकसान है। पैरासाइटिज्म में एक को फायदा दूसरे को नुकसान, पैरासाइट जो पैरासाइट होते हैं किसी पर डिपेंड होते हैं ना, हमारे अंदर जैसे पैरासाइट हैं या किसी भी चीज़ पर, तो
जो पैरासाइट होगा उसको फ़ायदा होगा और जिस पे वो डिपेंड होगा उसको नुकसान होगा, ठीक है। कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान है, हाँ ठीक है। जैसे ग्रासलैंड स्पीशीज है वहाँ घास है और दोनों को ही घास चाहिए, ठीक है, उसके लिए लड़ेंगे भी, हो सकता है। एमेंसिलिज्म, एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक इंटरेक्शन ऐसा कि एक को नुकसान होगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये इसमें बताया है पेंसिफिलियम और स्टेफेलो, इसकी कोई चीज़ है स्पीशीज है नहीं पता, ठीक है। तो ये 7 तरह की इंटरेक्शन होती हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसिलिज्म, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, कंपटीशन, एमेंसलिज्म, ठीक है ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव के केस में आते हैं कि दोनों को ही फायदा हो रहा है या एक को फायदा एक को जीरो, और इसमें नुकसान और फायदे दोनों हैं या दोनों को ही नुकसान है ऐसा, ठीक है। तो याद रख लेना, और ये भी याद रख लेना उनका जो कॉम्बिनेशन वो क्या है, कि एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, या एक दोनों को फायदा हो रहा है या एक को फायदा एक को कोई चीज़ नहीं फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब कि कैसे कैसे जो कम्युनिटी है वो इवॉल्व हुई है, जो स्ट्रक्चर है किसी भी जगह का, ठीक है। तो इसमें ठीक है जो डेवलपमेंट स्टेज होती है, इसमें कह रहा है कि इन इकोलॉजिकल टेक्नोलॉजी द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ कम्युनिटी आर द सीरियल स्टेज एंड द फाइनल स्टेज एज अ क्लाइमेक्स, ठीक है। एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटीज दैट इज कैरेक्टराइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन साइट इज कॉल्ड सेरी, ठीक है, याद रख लेना भाई। इसमें अभी इसमें शायद वो ग्राफ नहीं दिखाया है, ठीक है, कहीं कहीं ग्राफ भी होता है उसमें पूरा सक्सेशन दिखाते हैं कि पहले क्या, पहले मान लीजिए कि एक पथरीली ज़मीन है, ठीक है, पथरीली ज़मीन पे पत्थर का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक हुआ, वो वहाँ से फिर मिट्टी बनी, मिट्टी बनी, मिट्टी से फिर वहाँ पे घास उगा, ठीक है, लाइकन, लाइकन शायद बनता है, फिर घास बनता है ऐसे करके, फिर उसके बाद वो पौधा बनेगा, फिर उसके बाद पेड़ बनेगा, फिर कई सारे पेड़ बनेंगे, फिर कई सारे पेड़ बनेंगे तो जंगल बनेगा, ऐसे करके इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, ठीक है। तो वो टाइम फ्रेम के हिसाब से है, उसको जो पूरा सीरीज है वो क्या कहते हैं, उसको वो कहते हैं सिरे, ठीक है, सिरे, तो सिरे कहते हैं, ठीक है। और उसका क्या है, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, अच्छा कितने तरह के सक्सेशन होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी में क्या है, जो साइड जीरो से शुरू होता है ना, एसेंशली लाइफलेस एरियाज रीजन इन विच सॉइल इज इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ सच फैक्टर लाइक लावा फ्लोज, न्यूली फॉर्म सैंड ड्यून्स और रॉक लेफ्ट फ्रॉम रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, ठीक है। मतलब कोई भी जहाँ से एकदम शुरू से जीरो से जो शुरू हो रहा है, लाइफलेस एरिया है, वहाँ पे जब होता है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी मतलब जब कहाँ कहीं पे कोई पहले से कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी और उसको हटा दिया गया, मान लो कि जंगल था, जंगल काट दिया गया, अब वहाँ जो शुरू होगा वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा, ठीक है। ये कह रहा कि कुछ कम स्मॉलर एरिया पे होता है जहाँ पे डिस्टर्ब होगा कोई चीज़, वही बता, आग लग गई, ठीक है, सब जीरो पे हो गया, या फिर जंगल काट दिया गया, ठीक है, खेती वगैरह के लिए, और उसके बाद छोड़ दिए, जो जूम कल्टीवेशन होता है, जूम कल्टीवेशन यही तो करते हैं, क्या करते हैं कि एक जंगल है, मान लो जूम कल्टीवेशन में एक जंगल है, एक जंगल है, इसको क्या कहते हैं, काटा, यहाँ खेती की कुछ साल, फिर उनको लगा कि अब ये उपजाऊ नहीं है तो छोड़ दिया, अब अगले पे गए, ठीक है। तो अब यहाँ जहाँ छोड़ दिया है यहाँ फिर से चीज़ें उगेंगी ना, फिर से घास उगेगा, फिर से पेड़ पौधे उगेंगे, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन में आएगा, ठीक है ठीक है। फिर क्या है ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन क्या है कि इट इज कैरेक्टराइज बाई अर्ली एंड कॉन्टिन्यूड डोमिनेंस ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट दैट बिगेंस इन इन अ प्री डोमिनेंटली इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट एंड द एनर्जी फ्लो इज मेंटेन्ड इनडेफिनेटली। अच्छा इसमें कह रहा है कि जहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन ग्रीन प्लांट या ऑटोट्रॉप से शुरू होता है, ठीक है, उनका ही डोमिनेंस होता है शुरू में, तो वो उसको ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन कहेंगे, ठीक है। एलोजेनिक सक्सेशन में क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज कॉज्ड लार्जली बाई एनी एक्सटर्नल कंडीशन एंड नॉट बाई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किसी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से अगर जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो उसको एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया है, एक्सटर्नल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, फायर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ नेचुरली नहीं वो सक्सेशन आया है, आर्टिफिशियल कंडीशन से, एक्सटर्नल कंडीशन से आया है, ठीक है। फिर है ऑटोजेनिक सक्सेशन, इसका मतलब होता है कि जब कोई कम्युनिटी खुद ही इवॉल्व करे, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद इन्वायरमेंट, मॉडिफाइड इट्स ओन इन्वायरमेंट एंड थस कॉजिंग इट्स ओन रिप्लेसमेंट बाई न्यू कम्युनिटीज, ठीक है, जब वो विद इन कम्युनिटी वो शुरू हुआ किसी रिएक्शन की वजह से,
जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट है उसकी वजह से वहाँ पे जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे भी चेंज आ गया। तो ये जो है ऑटोजेनिक सक्सेशन है, मतलब उनकी खुद की इनिशिएटिव की वजह से है वो जो वहाँ पे कम्युनिटी है, ठीक है। उसके बाद है हाइड्राज सक्सेशन। हाइड्राज जो है वो प्लांट सक्सेशन है जो शेलो वाटर में होते हैं, ठीक है, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स या वहाँ पर, और उसके बाद वो फॉरेस्ट बन जाते हैं, ठीक है। ये हाइड्राज सक्सेशन है। और जिराक जिराक सक्सेशन क्या है, ये बेयर रॉक वगैरह पे शुरू होते हैं, ग्राउंड पे, वहाँ पे सक्सेस होते होते वो भी फॉरेस्ट बनते हैं लास्ट में, ठीक है। तो इसमें लाइकेंस वगैरह, लाइकेंस मोसेस जो शुरू में मैंने एग्जांपल दिया था वो इसी का था, जिराच वाला, ठीक। और हाइड्राच मतलब पानी वाला, पानी शुरू हुआ, ठीक है। फिर बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो जियो केमिकल साइकिल मतलब जो एक कोई केमिकल मान लीजिए, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कैसे अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कैसे इनकी साइकिल बनती है, ठीक है। कुछ इसमें से कुछ चीज़ें जैसे कार्बन, आपने सुना होगा कार्बन सॉलिड भी होता है और गैसेस फॉर्म में भी होता है, ठीक है, रिजर्वायर में भी होगा, ठीक है, कोयले वगैरह जैसे हैं, ठीक है। तो उसकी एक साइकिल बनती है बकायदा। फॉस्फोरस का भी यही केस है, सल्फर में भी यही है, हाँ, वो फिजिकल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग फॉर्म में और उनकी एक साइकिल मेंटेन होती है, ठीक है। साइकिल मतलब क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, ठीक है। लिखा है बायोजियो केमिकल साइकिल कैन आइदर बी गैशियस यानी रिजर्वायर पूल इज एटमोसफेयर या सेडिमेंट्री, यहाँ पर रिजर्वायर पूल अर्थ के क्रस्ट में होगा, ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल है कार्बन साइकिल का, बायोजियो केमिकल साइकिल, ठीक है, इसमें कार्बन साइकिल का एग्जाम्पल है। कार्बन इंटर्स इंटू लिविंग वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब हम कहते हैं रेस्पिरेशन करते हैं ना, या फिर जैसे प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो एंटर किया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या होता है, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड फूड आर देन पास्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी प्लांट से हर्बीवोर के पास आया, ठीक है, और कार्बनिवोर के पास जाएगा। फिर ये कार्बन फाइनली जो है वो सराउंडिंग मीडियम में उनके रेस्पिरेशन या डिकम्पोजिशन के थ्रू जाएगा। जब प्लांट जब वो जो भी हर्बीवोर है वो जब रेस्पिरेशन करता है तो वो क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो उसके थ्रू भी वो हवा में जाएगा, या जब वो मर जाएगा जो हर्बीवोर है, मर जाने के बाद वो डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोजिशन में भी वो चीज़ निकलेगी, ठीक है। फिर कार्बन इज ऑल्सो रिसाइकल्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ये भी है केस कार्बन साइकिल का था, ये देखो दिया है बढ़िया सा, हाँ बढ़िया ग्राफ है। तो इसमें बताया देखो CO2 एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर उससे प्लांट में गया, प्लांट से उसके बाद उसके रूट में गया, फिर मिनरल में, ठीक है, यहाँ से भी हो सकता है ये मिनरल रूट में, कैसे रूट इसका रूट रेस्पायर कर रहा है और फिर ये मिनरल में कैसे जाएगा, जब कोयला बनता है, कोयला हमने सुना था किससे बनता है, कोयला इसी से बना था ना, जो प्लांट या जो फॉरेस्ट थे वो डंप हो गए थे उसमें बड़े बड़े वैलीज में और वो काफ़ी सालों तक उसी के नीचे रहे, ठीक है, तो उनका डिकम्पोजिशन कोयले के रूप में मिला हमें बाद में जब हमने खुदाई की, ठीक है। फिर या ये जैसे डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है जब ये डिकम्पोज होंगे तो इनसे भी कार्बन रिलीज होगा, ठीक है, या जैसे फॉसिल फ्यूल या उनको जब बर्न करेंगे, कोयला का इस्तेमाल करते हैं या पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो रिलीज होगा CO2 के रूप में, ठीक है, तो ये कार्बन साइकिल दिखाया। फिर नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है अपने एटमोसफेयर में। नाइट्रोजन जो है वो मतलब प्लांट्स को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इंसानों को पड़ती है, प्लांट्स को भी, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियल यूज होते हैं, ठीक है, उनके कई सारे हमने देखे थे एग्जाम्पल, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को मतलब अमोनिया में करते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे एजोटोबैक्टर है या एकिया है, ये बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर या डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल का एग्जांपल इसमें दिया है, इनका डीनाइट्रिफिकेशन होगा तो वो नाइट्रोजन में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लाइटनिंग के केस, यहाँ लाइटनिंग का केस क्यों है भाई, जो हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसको भी ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो जब लाइटनिंग होती है तो वो नाइट्रोजन जो है ब्रेक होता है, ठीक है,
और इसके बाद उसी नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उठाते हैं और वो उनको NH3 में कन्वर्ट करते हैं, NH3 अमोनिया, ठीक है। और बाद में यही अमोनिया किसके काम आता है, प्लांट्स के काम आता है, ठीक है। नहीं, NH3 के बाद फिर से उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और वो NO3 बनता है, NO3 के बाद वो प्लांट बन जाता है, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अमोनिया ये है, अमोनिफिकेशन, NH3, ये NH4, सॉरी, ठीक है। और इसी NO3 को डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया वाले, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया उठाता है और उसको NO2 में वापस कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ठीक है। ये था उसका। फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है, दो चीजें, दो जगह यूज होता है, एग्रीकल्चर सिस्टम में और नेचुरल सिस्टम में। एग्रीकल्चर में क्या क्या है, क्रॉप एसोसिएशन, क्रॉप प्लांट एसोसिएटेड लेग्यूम, ठीक है। जो क्रॉप प्लांट से एसोसिएटेड है कौन कौन से भाई, लेग्यूम या राइजोबिया, ठीक है, एजोला साइनोबैक्टीरिया, सीरियल एसोसिएशन बैक्टीरिया, सीरियल एंडोफिलिक बैक्टीरिया। ये अलग अलग तरह के जो बैक्टीरियाज हैं जो प्लांट कम्युनिटी में यूज होते हैं, वो है। दूसरा क्या है, पेस्चर एंड फोडर प्लांट एसोसिएटेड कौन से हैं इससे, लेग्यूम राइजोबिया, सीरियल एसोसिएशन बैक्टीरिया और सीरियल एंडोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये इसे प्लांट फॉडर में यूज होते हैं और ये क्रॉप में यूज होते हैं। फॉडर पेस्चर अलग चीज़ है, मतलब जो जानवर खाते हैं, क्रॉप मतलब क्रॉप प्लांट जो है इंसान जो खाते हैं, ठीक है। वैसा क्रॉप प्लांट वैसे वो भी खा सकते हैं लेकिन, ठीक है, इंडायरेक्टली। फिर नेचुरल सिस्टम में क्या है, जो नेचुरल सिस्टम है जो प्लांट से एसोसिएटेड है वो क्या है, लेग्यूम रेजुबिया, एजोला साइनोबैक्टीरिया, कौन है, साइकार्डिक साइनो बैक्टीरिया, साइकार्डिक साइनो बैक्टीरिया, ओके। नॉन लेग्यूम फ्रेंकिया, सीरियल एसोसिएटेड बैक्टीरिया, खैर ये सब इतना नहीं पूछेगा लेकिन ठीक है, आगे तो देख लेते हैं। फिर है फ्री लिविंग और फ्री लिविंग साइनो बैक्टीरिया, फ्री लिविंग हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फिर फ्री लिविंग और भी हैं, साइनो बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दोनों में है क्या, ठीक है, दोनों में है। फिर वाटर साइकिल, वाटर साइकिल सबको पता है क्या होता है, हवा में जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं जब रेन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो उसी के बारे में है ये वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में वाटर जो है पानी, मतलब अलग अलग सोर्सेस से ट्रांसपायर होता है, ट्रांसपायर मतलब प्लांट से डायरेक्टली हवा में जा रहा है पानी, ठीक है, ट्रांसपायरेशन उसको कहते हैं, ठीक है। फिर दिस वेपराइज वाटर सब्सिक्वेंटली कूल्स एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स एंड वाटर, दिस कूल वाटर वेपर रिटर्न टू अर्थ एज रेन एंड और स्नो, ठीक है, सही है। फिर ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल क्या है, ऑक्सीजन साइकिल मतलब जहाँ जैसे ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में मूव करता है अर्थ पे, पूरे अपने एटमोसफेयर में, उससे रिलेटेड है। हवा में ऑक्सीजन है सबको पता है, ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म जो है वो एब्जॉर्व करते हैं, मतलब इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो ऑक्सीजन है, तो ये वही उसके साइकिल दिखाया है। ये सारी गैसेस फॉर्म में दिखाए अभी तक। सल्फर जो है, सल्फर सल्फर अकर्स इन ऑल लिविंग मैटर एज कंपाउंड कंपोनेंट ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड, ठीक है। इट इज अबेंडेंट इन सॉइल, इन प्रोटीन एंड थ्रू अ सीरियल सीरीज ऑफ माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन इन सब सल्फेट्स यूजेबल बाई प्लांट, ठीक है। मतलब सॉइल में प्रेजेंट होता है और उसको माइक्रोबियल एक्शन के कारण उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो सल्फेट बनता है जिसका इस्तेमाल प्लांट्स करती हैं, ठीक है। फिर सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड इंटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स बाई एक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वही चीज़ है, ऊपर वाली लाइन का ही है। अमीनो एसिड में बनता है, उसके लिए भी आपको कुछ सॉइल ऑर्गेनिज्म चाहिए, माइक्रोब्स होंगे, ठीक है। तो ये सल्फर का है, बहुत लंबा चौड़ा सा दिया इन लोगों ने, सल्फर साइकिल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में स्मेल्टिंग, फिर वो CO2 बना, फिर वो जाके क्या कहते हैं, सल्फेट है एटमोसफेयर में और उसका ड्राई डिप्रेशन डिपोजिशन हुआ या वेट डिपोजिशन, जो एसिड रेन वगैरह होता है, एसिड रेन स्नो के केस में, ठीक है, वहाँ से आया, फिर सल्फेट बना पानी में। ड्राई डिपोजिशन क्या है, प्लांट अपटेक है, ठीक है। ड्राई डिपोजिशन में सीधे वो धरती में आया, धरती से वो प्लांट में जाएगा सल्फेट के फॉर्म में, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल में क्या है, वेन इट रेन्स फॉस्फेट आर रिमूव फ्रॉम रॉक विया वेदरिंग एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बोथ सॉइल एंड वाटर, ठीक है।
नॉर्मली ये पत्थर के फॉर्म में होगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म है, और कह रहा है कि जब भी बारिश होती है तो ये सॉइल और वाटर दोनों में पहुंचता है। फिर प्लांट टेकअप फॉस्फेट आयन फ्रॉम सॉइल विच देन मूव फ्रॉम प्लांट टू एनिमल व्हेन हर्बीवोर ईट एंड ईट प्लांट एंड कार्निवोर ईट प्लांट एंड और हर्बीवोर, ठीक है। फिर फॉस्फेट अब्जॉर्ब बाय एनिमल थ्रू कंजप्शन रिटर्न टू सॉइल थ्रू एक्सक्रीशन और एज फाइनल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल इसका भी ऐसे ही होगा कुछ, देखो सॉलिड फॉर्म में है ये, क्या सॉलिड फॉर्म में है, अब ये प्लांट सेल के थ्रू प्लांट में आएगा या इसकी वेदरिंग होगी रॉक की तब ये सॉइल में आएगा, ठीक है। अगर बारिश वारिश हुई तो लीच करके ये पानी में जाएगा, और नहीं तो ये फिर सीधे इसके हर्बीवोर में जाएगा, हर्बीवोर से जो भी उसको खाएगा उसमें जाएगा, ठीक है। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या है कि कई सारी इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कौन कौन सी, जो हमारी जो मतलब हमने देखा कि पानी वगैरह भी पानी वगैरह साफ करने में उनकी काफ़ी मदद होती है हमें, कहते हैं ना कि पेड़ लगाने चाहिए, बारिश में मदद करती हैं, ठीक है, इकोसिस्टम बारिश में मदद करती हैं, बारिश कराने में और चीज़ों को मेंटेन करने में, ठीक है। इसमें कौन कौन सा सर्विसेज हैं वो देख लेते हैं। सर्विसेज दैट आर दैट बेनिफिट्स बेनिफिट्स पीपल ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विसेज आर बेनिफिट्स दैट पीपल ऑब्टेन फ्रॉम, कौन कौन सी हैं, इंक्लूड प्रोविजनिंग रेगुलेटिंग कल्चरल सर्विसेज दैट डायरेक्टली अफेक्ट पीपल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज नीडेड टू मेंटेन अदर सर्विसेज, ठीक है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ये कहता है वॉज इनिशिएटेड इन 2001 बाई यूएन हुज ऑब्जेक्टिव वॉज टू असेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम चेंज फॉर ह्यूमन वेलबींग, द साइंटिफिक बेसिस फॉर दिस एक्शन नीडेड टू एनहेंस कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ दो सिस्टम एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन वेलबींग। अच्छा, ये मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट इसको यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था 2001 में। इसका उद्देश्य था कि वो मतलब जो इकोसिस्टम में कोई अगर बदलाव आता है तो उसका क्या चेंज ह्यूमन पर दिखेगा उसको असेस करने के लिए ये चीज़ शुरू हुआ था, और वो चीज़ें उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए उनको कंजर्व करने के लिए ये स्टडी करनी ज़रूरी थी, ठीक है ठीक है। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या क्या है, देखो प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज। प्रोविजनिंग क्या है, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम डायरेक्टली, जैसे फूड फाइबर ऑर्नामेंटल्स मेडिसिन बायोफ्यूल्स फ्रेश वाटर जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या है, जो वो रेगुलेट करती हैं क्या चीज़, क्लाइमेट रेगुलेट, फूड प्रिवेंशन, इरोजन कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल और डिसीज रेगुलेशन, ठीक है। और कल्चरल में क्या है, ये नॉन मटेरियल बेनिफिट्स हैं जो हमें इकोसिस्टम से मिलता है, कौन कौन से भाई, एजुकेशनल रिक्रिएशनल सेंस ऑफ प्लेस स्पिरिचुअल कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्ट्रेस रिलीफ गार्डनिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें नॉन मटेरियल बेनिफिट हैं यानी कल्चरल सर्विसेज हैं। तो तीन तरह की होती हैं, तीन में अलग अलग हैं, तीन प्रकार के हैं, एक प्रोविजनिंग, एक रेगुलेटिंग और एक कल्चरल, ठीक है। प्रोविजनिंग में डायरेक्ट बेनिफिट है और रेगुलेटिंग में इनडायरेक्ट बेनिफिट है, कल्चरल में भी स्पिरिचुअल वाली चीज़ें हैं, मतलब ये नॉन मटेरियल बेनिफिट है, ठीक है। फिर सपोर्टिंग सर्विसेज ये चौथी हैं, इसमें क्या है, सर्विसेज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडायवर्सिटी, न्यूट्रिएंट साइकिल, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सब है, ठीक है। ये सपोर्टिंग सिस्टम है चौथी प्रकार की, ठीक है। अब ये इकोसिस्टम फंक्शंस और इकोसिस्टम सोशियो इकोसिस्टम सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, ये दो और चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड कि हमें क्या बेनिफिट इकोसिस्टम से मिल सकता है उसी के सक्सेशन में। तो बायोडायवर्सिटी से क्या क्या मिल रहा है भाई, इकोलॉजिकल प्रोसेस है, फंक्शनल ट्रेट, बायोफिजिकल स्ट्रक्चर, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज रिचनेस और बायोटिक इंटरेक्शंस, ठीक है, ये उसके इकोसिस्टम फंक्शन है। और सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम यूज एंड मैनेज अदर कैपिटल इनपुट्स जैसे ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन वेलबींग में क्या है, न्यूट्रिशन, क्लीन एयर, वाटर, हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एंजॉयमेंट, ये बेनिफिट है। वैल्यू कौन सी, इकोनॉमिक वैल्यू, हेल्थ वैल्यू, शेयर्ड या सोशल वैल्यू, अदर वैल्यू, ठीक है। और रिस्पॉन्स में क्या है, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, पॉलिसीज, कल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एनवायरनमेंट, स्टेक होल्डर एंड यूजर्स, ठीक है। ये सब अलग अलग प्रकार हैं इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या आते हैं ये देखो, ठीक है। फिर ये क्या चेंज करते हैं इन चीज़ों को,
इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या इससे चेंज होता है, ठीक है, हमारे इंटरेक्शन, जो हमारा इंटरेक्शन होगा बायोडायवर्सिटी से या इकोसिस्टम से। फिर है का है नेचुरल कैपिटल और नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग और सिया और एनकेव्स, ठीक है, ये देख लेते हैं क्या क्या है। नेचुरल कैपिटल में क्या है, ये उन एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है जो नेचर प्रोवाइड करता है, वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज जो ह्यूमन को मिलती हैं, ठीक है, जैसे स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट, फूड, क्लीन एयर, वाटर, लैंड, मिनरल, ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और प्रॉस्पेरिटी वगैरह के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है, ये नेचुरल कैपिटल है इकोसिस्टम का, ठीक है। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, जिसको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग भी कहते हैं, ये टूल है जो हमें जो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बीच में इंट्रैक्शन है उसको समझने में मदद करता है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो स्टेट ऑफ इकोसिस्टम है या इकोसिस्टम का जो सर्विसेज फ्लो है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर सिया मतलब सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग, अच्छा वो उसी का तरीका है, प्रोसेस है, ऊपर डेफिनेशन थी मतलब था, यहाँ प्रोसेस बता रहा है। इट इज स्टेटिस्टिकल सिस्टम दैट ब्रिंग टुगेदर इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंटल इंफॉर्मेशन इनटू कॉमन फ्रेमवर्क टू मेजर द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट टू द इकोनॉमी एंड द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, कैसे चेंज होते हैं, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, या इकोनॉमी की कंडीशन एनवायरनमेंट पे कैसे मतलब असर करती है और एनवायरनमेंट की कंडीशन इकोनॉमी पे कैसे असर करती है, इन चीज़ों को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर एनकेव्स क्या है, एनकेव्स क्या है, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट था जिसको यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिक डिवीजन ने लॉन्च किया था, ये और यूएनईपी और सेक्रेटरियट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी और यूरोपियन यूनियन, इतनी संस्थाओं ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, ठीक है, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। इसका एम क्या था, टू असिस्ट 5 पार्टिसिपेटिंग पार्टनर्स नेमली ब्राजील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका टू एडवांस द नॉलेज एजेंडा ऑन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम अकाउंटिंग, ठीक है, तो ये याद रखना है इसमें कौन सी कंट्रीज थी, ये 5 कंट्रीज हैं क्योंकि इसमें इंडिया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जहाँ भी इंडिया आएगा जिस भी चीज़ में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं। फिर क्या है, द इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी यानी टीब, ठीक है, टीब ये कोई संस्था ही भी शायद, बेस्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, द इंटरनेशनल एनवायरमेंट हाउस टीब ऑफिस होस्टेड बाय यूएनईपी, ठीक है। इसके बाद क्या, ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो मतलब नेचर की जो वैल्यू है उसको विजिबल बनाता है, ठीक है, हुज प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इज टू मेन स्ट्रीम द वैल्यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज इनटू डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल, ठीक है, मतलब जो बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज की वैल्यू है उनको हर मतलब जब भी डिसीजन कोई चीज बनाया जाएगा, डिसीजन दिया जाएगा किसी चीज का, वहां पे उनको एक तरह से दर्शाना, ठीक है। 2010 में इसने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, मेन स्ट्रीमिंग द इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स ऑफ नेचर, अ सिंथेसिस ऑफ अप्रोच, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन ऑफ टीब, ठीक है, और बैंक ऑफ नेचुरल कैपिटल टू कम्युनिकेट इज फाइंडिंग टू जनरल पब्लिक, अच्छा ये सब मतलब उसकी इनिशिएटिव है उसी संस्था के टीम के, ठीक है। फिर ये भी एक अलग रिपोर्ट है, IPBES ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, ये इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एक रिपोर्ट थी जिसको इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी ने बनाया था 2012 में, अच्छा ये जो है संस्था है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये 2012 में बनी थी जिसमें करीब करीब 130 मेंबर हैं, ठीक है, इंडिया है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। इनका मतलब इनका भी रिलेशन उसी से है कि जो साइंटिफिक इवेल्यूशन होता है इकोनॉमिक्स इसे इकोसिस्टम की सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है, उसी पर इन्होंने भी काम किया। अच्छा ये जो हमने पढ़ा था ना ऊपर मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट 2005, ये इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट में बताया था कि जो दूसरा फास्टेस्ट मास एक्सटिंक्शन होने वाला है
वो हो रहा है, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि जब कई सारी स्पीशीज एक साथ एक्सटिंक्ट हो जाएं, ठीक है, तो वो होता है मास एक्सटिंक्शन। फिर क्या है, अच्छा इकोसिस्टम वही है भाई, इकोसिस्टम के बारे में है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अब इसको हम बाद में देखेंगे। है तो ये भी इसी से रिलेटेड, ठीक है, इकोसिस्टम से ही रिलेटेड है, तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे, सही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।